झारखंड के धनबाद जिला प्रशासन ने आज स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए फर्जी डिग्री के आधार पर हॉस्पिटल चला रहे और प्रैक्टिस में लगे एक फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसके अस्पताल को भी सील कर दिया गया है। प्रशासन की यही बड़ी कार्रवाई राजगंज थाना क्षेत्र के डोमनपुर में की गई है। वहीं पर श्री साईं बाबा हॉस्पिटल को भी सील किया गया है। तत्कालीन मुख्य सचिव राजबाला वर्मा के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। तत्कालीन मुख्य सचिव राजबाला वर्मा के द्वारा सूबे के तमाम जिले के उपायुक्तों को आदेश दिया गया था कि जिले में जितने भी फर्जी डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं उन पर फौरन कार्रवाई की जाए। उसी आदेश के आलोक में लगभग 2 माह पूर्व जिला प्रशासन की तरफ से एक टीम का गठन किया गया था। उसी टीम के द्वारा जिले में कई फर्जी डॉक्टरों को चिन्हित किया गया था। उन चिन्हित किए गए डॉक्टरों का सत्यापान के बाद आज कार्रवाई की गई है। मौके पर पहुंचे सिविल सर्जन डॉक्टर आशा एक्का ने बताया कि झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। एक बार फिर से ये लगातार जारी रहेगी। आज डॉक्टर नीरज रमन को गिरफ्तार कर उनके हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। SDM अन्य ने मित्तल और नोडल पदाधिकारी डॉक्टर राजकुमार सिंह ने अपनी मौजूदगी में अस्पताल को सील करवाया है। फर्जी डॉक्टरों में मच गया है हड़कंप। आज हुए कार्रवाई के बाद जिले में प्रैक्टिस कर रहे फर्जी डॉक्टरों में एकदम से हड़कंप मच गया है। आज हुए इस कार्रवाई को देखते ही देखते जंगल की आग की तरह बात आसपास के फर्जी डॉक्टरों के पास पहुंच गई। कुछ फर्जी डॉक्टर अपना क्लिनिक बंद कर फरार हो गए। SDO साहब के अध्यक्षता में है। हाँ, MYC बात मारा। मैं खुद डॉक्टर राजकुमार और डॉक्टर SDO साहब आए थे और डॉक्टर कुलदीप तो दूसरा का है, MBBS डिग्री इनके पास नहीं है और दूसरा का रजिस्ट्रेशन नंबर का यूज कर रहा है। अस्पताल को भी सील किया गया है। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी यहाँ पर मिले। ठीक है।